दमोह किंगगंज में स्कूल पर प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। हालांकि संचालक की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। नगर पालिका के सीएमओ ने स्कूल का जायजा लिया और नियमों के मुताबिक कार्रवाई का भरोसा दिया। गंगा जमुना स्कूल पर प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है। सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद नगर पालिका के सीएमओ खुद जांच के लिए पहुंचे। हालांकि स्कूल में ताला जड़ा मिला। स्कूल के निर्माण को लेकर भी अनदेखी की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में सीएमओ ने कहा कि दस्तावेजों के लिए स्कूल को टाइम दिया गया है। सीएमओ ने कहा कि नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गंगा जमुना स्कूल के कुछ बिल्डिंग अभी नई बनाई जा रही है, जिसका संज्ञान में आया है कि उनकी इन्होंने हमारे रिकॉर्ड में परमिशन नहीं लिए हैं। इस कारण उनको नोटिस जब जारी कर 3 दिवस में उनसे उत्तर मांगा गया है कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार के भवन निर्माण स्वीकृति है उसके दस्तावेज हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा विपरीत की स्थिति में उसको अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की जांच की दिशा को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो सही दिशा में है और प्याज के छिलकों की तरह परते उतर रहे हैं। बिल्कुल जांच की जा रही है, प्याज के छिलकों की तरह से परते एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है और जांच सही दिशा में चल रही है। जो फरार है और इस तरह की जितनी फिरका फर्श डालते हैं माफिया है, इन पर तो बुलडोजर चलता ही। स्कूल से जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्कूल के संचालक की प्रशासन को तलाश है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दमोह में एक और धर्मांतरण के मुद्दे पर एमपी के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मामले की जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कानूनगो ने आरोप लगाया कि दमोह में धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा है। के कुछ ऑफिसर्स जो एडामेंट बिहेवियर अपनाते हुए कानून का पालन नहीं करवा रहे और इस तरीके के कन्वर्जन रैकेट को खुलेआम बढ़ावा दे रहे। जब 4 महीने से हम बोल रहे हैं कि ये अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, इसको बंद करवा दीजिए। अगर बंद करवा दी होती तो कम से कम लड़कियां यौन शोषण का शिकार नहीं हो रही होती। लड़कियां जब एडॉप्शन में जा रही हैं, पीछे से उनको फोन करके ये लोग कह रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ, क्या इसलिए चिल्ड्रन होम चलाए जाते हैं? ये गलत है और इस पर